नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात लेके आया हूँ, मगर आप लोगों के कॉलम और बीम की स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी बन जाएगी इससे। मगर मैं आज एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ जिन लोगों को जो अपना मकान बना रहे हैं और खुद सुपरविजन करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी इंजीनियर हैं। उन लोगों को ये सारी छोटी छोटी बातें पता रहती हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप लोग अपना मकान बना रहे हैं तो ये छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग रिंग को देखें, जब रिंग सीधे सीधे छोड़ दिए हो आपके मिस्त्री ने, तो आप उसको इस तरह से मुड़वा दें। इस तरह से अगर आप मुड़वा देते हैं तो इसके मुड़ने से क्या होता है कि आप लोगों के बीम की और कॉलम की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्योंकि कभी भी कॉलम अगर फेल होता है या बीम फेल होता है तो सबसे पहले उसके रिंग फेल होते हैं, यानी रिंग खुल जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से मोड़ देते हैं तो बीम और कॉलम जो है उसके रिंग जो है वो खुलने के लिए उनको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा, तो वो ज़्यादा उनको इतने मुड़ने से, हल्के से मुड़ने से ही स्ट्रेंथ उसको प्रॉपर मिल जाएगी। देखिए, मैंने आप लोगों को इस तरह गोले में दिखा दिया है किस तरह से आप लोगों ने मुड़वा देना है, और इस तरह से मोड़ने से ही स्ट्रेंथ मिल जा रही है। तो आप लोगों को अपनी बिल्डिंग के जो बीम्स है उनमें प्रॉपर करना चाहिए। देखिए, अभी ऊपर से किस तरह से मोड़ना है ये भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मिस्त्री को पता होता है वैसे, मगर आप लोग अगर उसको फोर्स करेंगे तो इस तरह से मोड़ के कर देगा काम को। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस तरह से अपने बिल्डिंग में काम कराएंगे जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर जो हमारा जो प्रॉपर स्ट्रेंथ है वो हमारे कॉलम और बीम को मिले। और जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले दिखे और आप लोग मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें।